नगर निकाय चुनाव के नतीजे वाले दिन यानी 13 मई को हर ट्रैफिक चौराहे पर मतगणना की अपडेट सुनने को मिल जाएगी। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के जरिए जिला प्रशासन चरणवार मतगणना के आंकड़ों को भी घोषित करेगा। बता दें कि शहर के 23 चौराहों पर यह ITMS चक्री है। इनमें लगभग सभी प्रमुख चौराहे शामिल हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 11 बजे तक मेयर पद की तस्वीर भी साफ होने लगेगी। फाइनल नतीजे आने में दोपहर तक का समय लग सकता है। इस तरह दोपहर 12 बजे तक लगभग 40 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी DEO राजेश कुमार सिंह ने बताया, आपको सादर सूचित करना है कि नगर निगम की मतगणना विश्वविद्यालय प्रांगण में, जो हमारा बैडमिंटन हॉल है, वाणिज्य भवन का बरामदा है और इंजीनियरिंग कॉलेज का बरामदा है, यहाँ पर होगी। बैडमिंटन हॉल में वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20, वाणिज्य भवन में वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 60 तक, और इंजीनियरिंग कॉलेज के बरामदे, इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है वहाँ पे, उसके बरामदे में वार्ड नंबर 61 से वार्ड नंबर 80 की होगी। पहले चरण में हमारे कुल 40 वार्ड की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। चरण इसी प्रकार से रहेगा, 40 वार्ड की मतगणना एक बार प्रारंभ हो जाएगी और मेरा अनुमान है कि सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर के 11 बजे के आसपास ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा चरण होगा वो इस प्रकार से होगा कि बैडमिंटन हॉल में वार्ड नंबर 11 से 20 का हो जाएगा, और इसी तरह से आगे दूसरे चरण में हमारे 10-10 वार्ड का सभी बरामदों में, तो 40 वार्ड का एक बार और 40 वार्ड का एक बार होगा। इसके संबंध में आगामी 11 तारीख को हम जितने भी प्रत्याशीगण हैं उनका एक अभी टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा, मेयर के प्रत्याशीगण या उनके इलेक्शन एजेंट और पार्षद प्रत्याशीगण या उनके इलेक्शन एजेंट, हम NXC के सभागार में एक बैठक कर लेंगे और उन्हें विस्तार से इसकी जानकारी दे देंगे। इसके बारे में मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि, और मेरा अनुरोध भी है कि जो आम नागरिक हैं, जो मतगणना के रुझान के संबंध में जानकारी चाहते हैं, वो विश्वविद्यालय के आसपास उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ पे भी जिस चौराहे पर होंगे, अब की बार हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि जो यहाँ पे नगर निगम में ITMS सेंटर है, वहीं से हम लोग बीच बीच में हर घंटे पे, हर डेढ़ घंटे पर जो भी रुझान होगा, जो भी